श्री, हाय आज हेलो। क्या आप नाश्ता बना रही हो? आज मैं बना रही हूँ ब्रेड ऑमलेट। अच्छा, ब्रेड ऑमलेट। हाँ अच्छा, जी, आज मैं ब्रेड ऑमलेट बना रही हूँ। उसको बनाने के लिए आप इसको, हम लोग कभी कभी इसका ब्रेड पिज्ज़ा भी बना देते हैं, पर आपको चूंकि वो नहीं पसंद है चीज़ का, तो आपको पता ही है, इसलिए मैं ये ब्रेड का वो बेसन का बनाती हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा तो उसके लिए कुछ मेरी सब्जियां हैं। ठीक है, मैंने कुछ सब्जियां इकट्ठी की हैं काट के, शिमला मिर्च, टमाटर, ये पनीर है, ये ये प्याज प्याज। है, ठीक है, और अच्छा ये कुछ मसाले हैं जैसे ऑरिगेनो है, ये चिली फ्लेक्स है, ये थोड़ा सा सब्जी मसाला है, और ये नमक है, और ये धनिया पाउडर है, अच्छा अच्छा और ये बेसन है, इसकी बेसन। कोटिंग की जाएगी, और ये ऑयल है, इसे हम लोग सेकेंगे। हाँ ठीक है, और इससे हम लोग, पहले हम लोग क्या करते हैं कि सारी सब्जियां जितनी हैं इनको आपस में मिला लेते हैं। ठीक है, ये जितनी हमारी सब्जियां हैं सारी सब्जियों को हम आपस में मेल कर लेंगे। जैसे हम लोग पिज़्ज़ा के लिए तैयार करते हैं वैसे ही तैयार करेंगे, बस इसमें चीज़ नहीं पड़ेगा। विदाउट चीज का। जी, विदाउट चीज़ बन पड़ेगा। ओके, अब इसमें ये थोड़ी सी चिली फ्लेक्स गया हमारा, थोड़ा सा ऑरिगेनो, ओके, हल्का सा मसाला, हल्का सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा हरा धनिया, ठीक है, थोड़ा सा नमक, हल्का सा, स्वाद के अनुसार अपना हर हाँ, आदमी। तो वो टेस्ट अकॉर्डिंग है, हाँ, आप जैसा आप रखना चाहें रख सकते कोई हैं। तेज खाता हो तो तेज डाल दें। हाँ जी, हाँ जी, इसमें मैं थोड़ा सा इसमें टोमेटो सॉस और चिली सॉस भी इंक्लूड करती हूँ, सोया सॉस, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लगता है टेस्ट में, और आपको भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो वो भी मैं ऐड करने वाली हूँ। आप चाहें तो इसमें अपना चीज़ वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, जिसके पास जो, मतलब जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पिज़्ज़ा बेस से नहीं खाना पसंद करते हैं, तो वो लोग ऐसे ब्रेड पे ये सब लगा के और बना सकते हैं, खा सकते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा ही, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा ही इंक्लूड करेंगे। आपको मन में हो तो आप करिए, नहीं मत करिए इसमें टोमेटो सॉस इंक्लूड, ये जितनी मेरी सब्जियां हैं सारी सब्जियों में। थोड़ा सा मतलब इन सबको डालने से और बढ़िया टेस्ट आ जाता है। हाँ, टेस्ट बहुत अच्छा आता है ये, तो अगर आप पिज़्ज़ा सॉस पे अगर आप इस सब्जियों को रख के वो चीज़ रख दीजिए तो आपको बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा ही तैयार हो जाता है। पूरा पिज़्ज़ा का हम बेस तैयार कर रहे हैं, जैसे पिज़्ज़ा हम लोग खाते हैं ना, तो पिज़्ज़ा में हम लोग यही सब बेस डाल के तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये सारा पिज़्ज़ा का आपका बेस है, आप चाहें तो वो पिज़्ज़ा भी अपना डाल के अपना तैयार कर सकते फिर हैं। इसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। हाँ जी, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, अब इसको मैं इस पर कोट करूँगी। ओके, अब मैं इसको भर रही हूँ ब्रेड पे। ये है, आपने वो, आप लोगों ने वो खाया ही होगा सैंडविच, बट ये समझिए कि सैंडविच ही है, बस थोड़ा सा अलग तरीके से है, अलग सैंडविच है। और इस पर मैं ये ब्रेड लगा ले रही हूँ, इसी तरह से मैं सारे कर ले रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने दो दो ब्रेड पर भर के तैयार कर लिए हैं। ठीक है, अब मैं इस बेसन का पेस्ट बनाऊंगी। पेस्ट तो आप लोगों ने देखा ही होगा, मैं पेस्ट बना रही हूँ इसका। ये पेस्ट हमारा तैयार हो रहा है। इस पेस्ट में थोड़ा बहुत अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग धनिया आप डाल दीजिए, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दीजिए, बहुत हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा धनिया डाल लीजिए, ये ऊपर से दिखता है तो अच्छा लगता है। थोड़ा सा नमक डाल लीजिए, और इसको थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा और वाटर मैं इंक्लूड करूँगी, हल्का सा। देखिए, ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया। ये कोटिंग के लिए है, मैं ये इसे
से पकाना है हमको इस फिलिंग ब्रेड को। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही हेल्दी है ये, इसमें चीज़ नहीं पड़ा है। समझिए आप पिज़्ज़ा ही खाएंगे ऐसा आपको टेस्ट आएगा खाने में। अब मैं गैस जला रही हूँ, इस पर मैं फ्राई पैन रख रही हूँ। ये फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाल लिया है, पहले मैंने 2 चम्मच इसमें ऑयल डाल लिया है। ये ऑयल डाल के इसको से मैंने इसको पूरी तरह से इसको फैला लिया ऑयल को, ताकि हमारा ब्रेड चिपके ना। ओके, अब मैं ये जो ब्रेड को मैं ऐसे इसमें इस तरह से डुबो दूंगी, एक साइड से, ओनली वन साइड से, दोनों साइड से नहीं, सिर्फ एक साइड से ऐसे डुबो के मैं इसे रख दूंगी यहाँ पे। ठीक है, ऊपर से मैं इसे इस पर बेसन लगाऊंगी। अच्छा, ऐसे चम्मच से लगाने से ये फायदा है कि मतलब ज़्यादा इसमें बेसन का यूज़ नहीं होगा? नहीं, बेसन का भी यूज़ नहीं होगा और ये ऑयल भी उतना नहीं लेता है। फिर ये जो मेरा ऑयल है इसको मैं इस तरह से फैला दे रही हूँ कि ताकि ये चारों तरफ मेरे उसमें पिज़्ज़ा में मिल जाए, मेरे ब्रेड पे। और इसके ऊपर से मैं हल्का सा ऑयल लगा रही हूँ, हल्का सा ऑयल लगा रही हूँ। और इसको तरह से मैंने पलट लिया, कभी आप ट्राई करिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है ये। और ये कैसे भी आप घर पे आराम से इसको बना सकते हैं। मेरा धनिया कितना अच्छा दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। कभी आप अपने घर पे ट्राई करिए ये ब्रेड, तरह का ब्रेड। ऑयली भी कम होता है इसमें, ऑयल ज़्यादा नहीं लेता है, कहते अच्छा ये ऑयल इसका कम लेता है ये, जैसे और इसमें हमको ऑयल ज़्यादा लगता है, इसमें ऑयल कम लगता है। ये मेरा एक ब्रेड तैयार हो गया, मैं दूसरा ब्रेड बनाने जा रही हूँ। जब तक मेरा ब्रेड सिक रहा है तब तक मैं इसके साथ खाने के लिए मैं एक दही का मिश्रण तैयार कर ले रही हूँ। आप लोग भी अपने घर पे तैयार कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये दही का मिश्रण। ये इसको हल्का सा फेंट दीजिए, थोड़ा सा वाटर, बहुत ही थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, हल्का सा, हल्का सा नमक, हरा धनिया, अगर आप चीनी पसंद करते हो तो हल्का सा चीनी डाल दीजिए, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ऐसे ही ये हमारा दही का मिश्रण तैयार है। इसमें आप जो भी आप ऑयल, जो भी आप चीज़ें आप पसंद करते हो आप डाल सकते हैं। आप ऊपर से तड़का भी इसको दे सकते हैं, पर हम लोग ऐसे ही खाएंगे। तब तक हमारा देखिए, अब हमारा ये बन के तैयार हो गया है। इसी तरह से मैंने अपनी सारी ब्रेड सेक ली है। ठीक है, ये आपने काट के इसको लगा लिया था? हाँ जी, ये मैंने इसको इधर लगा लिया है काट के। और अब मैं इसे सर्व करूँगी। इसको आप काटने का मैं तरीका भी बता दे रही हूँ कि कैसे आप इसे काटिए। आप इस तरह से इसको काट सकते हैं, आपके पास पिज़्ज़ा कटर हो तो आप उससे भी काट सकते हैं। और इसको काट के ऐसे इस तरह से आप सर्व करिए। ओके, अब ये दही है, आप सॉस के साथ, दही के साथ, किसी के साथ भी इसको सर्व करके खा सकते हैं। इसमें ऑयल भी कम रहता है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ठीक है, और अब
मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है, और घर पे बनाएं हेल्दी और पौष्टिक नाश्ता, ठीक है। और इसके लिए आप लोगों को बैटर की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ब्रेड से बना सकते हैं घर पे नाश्ता। ओके, इसका नाम क्या बताया था आपने? इसका नाम है ब्रेड आमलेट। ब्रेड आमलेट, इसको आप, अगर इसमें चीज़ पड़ जाएगा तो ब्रेड पिज़्ज़ा हो जाएगा। ओके, बट चीज़ डालने से थोड़ा सा ये होता है कि बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेचिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा खिंचता है, तो खाने में उतना अच्छा नहीं लगता जितना ऐसे अच्छा लगता है। ठीक है, आपने घर पे ट्राई करिए, खाइए और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच श्री जी।